ये भाई ओला है, डेड है पूरी, कुछ भी काम नहीं कर रहा। सारा ट्राई कर लिया, रिस्टार्ट भी नहीं हो रही। सबसे ज्यादा दिक्कत इसका यही है, मतलब कहाँ से हो रहा है कुछ, ना फोन से बोल रहा ना इससे बोल रहा, लाइट ही नहीं आ रही। मैयत का जनाजा, इसकी बहन वाली नहीं भाई, ये हमारी ओला इलेक्ट्रिक जा रही है जिसकी अभी डेड हो गई थी, तो अभी जनाजा इसका निकल रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि S1, S Pro और अभी X करके कुछ आ रखे हैं। तो हम इसका पूरा रिव्यू करने वाले हैं। जैसे कि मैंने ओला S1 परचेज करी थी, मैंने पिछली भी वीडियो बना रखी है, जाके चेक कर लेना। मैंने पिछली जनवरी में परचेज करा था, मतलब 1 साल मुझे हो गए ओला परचेज करे, और उसे मुझे चलाए भी 1 साल हो गया। तो मैं आपको पूरा उसके बारे में डिटेल बताता हूँ, कैसे चल रही है, बैटरी का क्या परफॉर्मेंस है, क्या खराबी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। तो मैं सारा डिटेल उसका इस वीडियो में शेयर करता हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो गाइस पहली बात कर ले जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, प्राइस की। तो प्राइस उस टाइम मुझे पड़ी थी 1,12,000 की, ये S1 मैंने ली थी। और फिर इसकी सब्सिडी उन्होंने बोली थी 15,000 या 12,000 समथिंग बोली थी, कि ये सब्सिडी इतनी कट के आएगी आपके पास। और अभी तक भाई वो जनवरी में मैंने परचेज करा था, और अभी ये जनवरी के बाद फरवरी आ गया, 1 साल से ज्यादा, बट अभी तक सब्सिडी नहीं आई। और सब्सिडी के अलावा बात कर लें तो अभी जो सर्विस की इनकी बात है, तो भाई सर्विस बहुत ही बेकार है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के और हरियाणा के बीच में मैं रहता हूँ, बट इनकी सर्विस बहुत ही बेकार है। हाँ, पर पहले से अभी अच्छी हुई है, एक एक 1.5 महीने में थोड़ी सी अच्छी हुई है, पर हाँ बिल्कुल सही नहीं हुई है, क्योंकि मैंने, आप पिछले वीडियो देख सकते हो और ये भी वीडियो आप देख सकते हो जो मैंने इसके पहले डाला है, तो उसमें ये सीन था कि मेरी स्कूटी, जैसे मैं हॉस्पिटल के बाहर गया तो वहां मैंने खड़ी कर दी, और जब मैं आ रहा हूँ वापस, मैं चालू कर रहा हूँ, तो भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है स्कूटी में। ना स्कूटी ऑन हो रही, ना रिस्टार्ट हो रही, मैंने सब कुछ ट्राई करके देखा, कुछ भी नहीं हो रही भाई। फिर मुझे उसको टो करके सर्विस सेंटर पर ले जाना पड़ा, और सर्विस सेंटर में मैंने उसको सबमिट करा था 1 या 2 तारीख को, मैंने करा था फरवरी में, और अभी तक मुझे टोटल 11 दिन हो गए हैं भाई, टोटल 11 दिन हो गए हैं मुझे वहां सर्विस पे सबमिट करे। और मैंने दिल्ली के सर्विस सेंटर पे करा है, नरेला में। तो भाई बात ये है कि 11 दिन पहले मैंने उनको डिलीवर कर दिया, और अभी जब मैं स्टार्टिंग के ऐसे 4-5 दिन जाता था ना, तो वो पूरा स्कूटी खोल के रखे हैं, और उनको ये नहीं पता चल रहा इसमें दिक्कत क्या हुई है। दो दो टेक्नीशियन लगे पड़े भाई डेली, पर उनको ये नहीं पता चल रहा इसमें दिक्कत क्या हो रखी है। फिर अभी जब जैसे 7-8 दिन हो गए, फिर मैं वहां पे जैसे मैं जाता रहता हूँ 2 दिन 1 दिन बाद जाता रहता हूँ, तो मैंने पूछा भाई अभी पता चले क्या दिक्कत है, तो वो बोले कि इसका जो वो बैटरी का एक मदरबोर्ड आता है वो जल गया है। तो मैंने बोला, फिर तो उन्होंने बोला आप मुझे 2 दिन दो, हम बना देंगे, मतलब ओखला से हम या तो बैटरी वहां पे भेजेंगे ओखला में, या वहां से सामान लाके लगा लेंगे। बट अभी रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले बात करी, तो इनका ये हो रहा है कि भाई जो पार्ट्स है उसका, वो पार्ट्स मिल नहीं रहा है, और इसके लिए अभी आपको 1 वीक का वेट करना पड़ेगा। तो भाई ये इनका सीन है, मतलब घुमा फिरा के मुझे 11-12 दिन के अराउंड, मतलब 13-14 दिन हो गए भाई, और अभी तक मेरी स्कूटी सर्विस सेंटर पे है, वो बनी नहीं। और मुझे जैसे ही बन जाएगी तो मैं आने के बाद उसका एक वीडियो बना के इस चैनल पे और अपलोड करूंगा, ओवरऑल की कैसे बन के आई है, और उसमें मतलब क्या, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है वो टेक्नीशियन वगैरह हमें सही से बता नहीं रहे हैं कि उसमें दिक्कत क्या हुआ है, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि
अगर उनको समझ आता तो इतना दिन तक वो ऐसे नहीं करते कि हमें पता नहीं चल रहा कैसे में हुआ है, और फिर अभी वो बोल रहे हैं हमारे पास पार्ट्स नहीं है। तो देखते हैं गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, जय हिंद। हाँ, अगर आपने भी ओला S1 ले रखी है तो और आपकी सब्सिडी आ गई, देन आप कमेंट करके हमें बताओ, और अगली वीडियो ओला के किस टॉपिक पे चाहते हो और किसी भी स्कूटर या किसी के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट कर दो, हम अगली वीडियो उस पर बना देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, जय हिंद।